मैं गिरफ्तार हुई सीतापुर में, सुबह के 4 बजे थे। खूब लड़ी मैं, आपने देखा होगा, महिला पुलिस कर्मी मेरे साथ लड़ी, उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया। 4 बजे मुझे जब जीप में बिठा के 2 महिला कर्मी पुलिस कर्मी ले गए गिरफ्तार करके, मेरे पास में बैठी थी, एक का नाम पूजा था, एक का नाम मधु। मेरे मन में आया 4 बजे है, ये यहां सड़क पे खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, बच्चे घर पे होंगे, घर जाके परिवार भी संभालना पड़ेगा। मैंने बातचीत की थोड़ी उनसे, उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही हैं, कितने घंटे काम कर रही हैं, उसके बाद उनको घर भी जाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है, जितना वेतन उनको मिलता है वो क्या काफी है? तो हर तरफ जहां जहां देखो महिला का शोषण हो रहा है, जो उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको नहीं मिल रहा है। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र है, इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी